हेलो फ्रेंड्स, ये जो कल मैच होने जा रही है नेदरलैंड वर्सेस आयरलैंड T20 मैच में, उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैचेस होने वाली है उसके भी मैंने ड्रीम इलेवन टीम बनाई, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए ड्रीम इलेवन टीम बनाते। ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले कहना चाहता हूँ कि भाई, ड्रीम इलेवन ऑनलाइन बेस्ड ऐप है, यानी कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। शायद किसको पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं उनको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे बड़े यूट्यूबर है जो ऐसे फेक वीडियो बनाते थे हाउ टू हैक ड्रीम इलेवन टीम। ऐसा हैक वगैरह कुछ नहीं होता भाई, उससे बचो। वो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने का काम करते हैं, और ज़्यादा उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी, और ये वो भी ज़्यादा बोलूँगा तो चैनल ही बैन करते हैं। तो चलिए, विकेट कीपर में हम यह देख सकते हैं कि स्टुअर्ट पॉइंटर को लीजिए, आयरलैंड के बहुत अच्छे विकेट कीपर है। तो नीदरलैंड की ओर से टीबीस व्यूज खेलने वाली है, तो आप स्टुअर्ट पॉइंटर से पे और 6 पॉइंट दे सकते हैं आपको। बैट्समैन की ओर चलते हैं तो आयरलैंड के सबको पता होगा कि स्टर्लिंग बहुत अच्छे बैट्समैन है, और विस्ली बैरसी, ये दो बैट्समैन ऐसे ही। नीदरलैंड की तरफ से विस्ली बैरसी बहुत अच्छे, तो स्टर्लिंग आयरलैंड की तरफ से विलियम पोटरफील्ड को भी ले सकते हैं। गैरी विल्सन को लीजिए अगले टीम में। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी टीम कॉपी मत कीजिए, मैं जो बताता वो भी अगर लेते भाई, क्योंकि आप अगर ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो कि भाई कॉपी टीम से कभी जीत नहीं सकते, यूनिक टीम बनानी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन देता हूँ। अगर फुटबॉल की चाहिए, फुटबॉल की मैं बनाता हूँ। अगर कार्ड में आप देख सकते हैं, फुटबॉल की किसी को पता नहीं होता कि फुटबॉल की अलग होती है, मिडफील्डर डिपेंड है, उसकी भी मैंने ड्रीम इलेवन टीम बनाई, वो भी आप कार्ड में देख सकते हैं। तो या ऑलराउंडर में चलते हैं तो आयरलैंड की केविन ओब्रेन, जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और ज्यादा पॉइंट भी दे सकते हैं। रेंटेन उन्हें भी ले सकते हैं आप, रोलोफ वेंडर को भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। बॉलर की ओर चलते रैंकिन को लीजिए, पीटर फेज को भी ले सकते हैं आप, सेन सेंटर को ले सकते हैं, पाउल वेन मैंकेन को लीजिए, पीटर सेलर को ले सकते हैं जो आयरलैंड के कप्तान हैं, और भाई किसको 9-10 इतने भी काफी हो सकते हैं, ये लीजिए टीम वेंडर। और आयरलैंड की तरफ से बैरी मेकर्सलो को भी ले सकते हैं, पीटर चेस को ले सकते, क्रेडिट कम पड़ रही भाई, तो किसी अच्छे को निकालना पड़ेगा। विलियम पोटरफील्ड को निकाल देता हूँ, यहाँ गैरी विल्सन को लेता हूँ, 7.5 क्रेडिट होते भाई। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो रैन वेंडर मेरी को लेते हो, 8 क्रेडिट बचते, तो 8 क्रेडिट के हम, वो भी प्रॉब्लम है किसको लिए। सेल सेंटर यहाँ देख सकते 8.5 क्रेडिट, तो हमें बैट्समैन लेते, बैट्समैन में कोई है ही नहीं ऐसा कि 8.5 क्रेडिट का, तो हमें ऑलराउंडर में किसको लेना पड़ेगा, तो स्टुअर्ट थॉम्पसन को लेते हो गए। आप बॉलर को भी ले सकते, बॉलर जैसे मैंने टैम वेंडर को नहीं किया पॉइंट के चलते, आप उन्हें कीजिए, इससे सेंटर को कर सकते आगे चढ़ते। कन्फर्म प्लेइंग 11 के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेयर दिए, वो आप देख सकते कि आयरलैंड के कौन से खेलने, गलती से क्या होता है कभी कभी, जो नहीं खेलता वो भी दे सकता हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते, चेक कर सकते, अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया ऑप्शन वो बेस्ट है। वो ऑप्शन से भी अगर लेते हो तो अच्छी बात है। ग्रैंड लीग खेलते हो तो मैंने हमेशा कहा कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 टीम बनाइए, आपकी अच्छी खासी रैंक भी आएगी। और टीम बनने से कुछ नहीं होता भाई, दिमाग भी लगाओ, सिर्फ पैसे लगाने से जीत नहीं हासिल होती, थोड़ा अगर दिमाग लगाते हो ना तो अच्छी बात है। दिमाग कैसे लगाओ दे, तो थोड़ा यूनिक आइडिया से सोचो कौन अच्छा खेलेगा। तो यह मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी होगी। तो यह कप्तान और कप्तान की बारे आती, जो आपको स्मॉल लीग में तो आसानी से जीतेगी, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए खेलते हो तो 80% आपकी टीम आदि तो कप्तान और कप्तान के ऊपर ही होती है। तो यह कप्तान के ज़्यादा हकदार होते हैं पॉल स्टर्लिंग, गैरी विल्सन, ओ बैरेसी, ओके यूनोब्रेन, ये चारे और विंडे उन्हें भी कर सकते हैं स्टुअर्ट पॉइंटर को। आगे चलते यहाँ देखते कप्तान वाइस कप्तान की बारी आती है, तो मैं यहाँ कप्तान गैरी विल्सन को करने जा रहा हूँ, वाइस कप्तान केविन ओब्रेन को करने जा रहा हूँ। मैंने किया है, आप करो, ऐसा कुछ नहीं।
मैं जो ऑप्शन देता हूँ वही लोग करोगे तो आप जरूर जीतोगे भाई। या देख सकते कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी, मैंने अभी बताया कि गैरी विल्सन बहुत अच्छा ऑप्शन है जैसे मैंने लिया। पॉल स्टिर्लिंग जो वन मैन आर्मी की तरह, वेरी बैरेसी जो नीदरलैंड की तरफ से बहुत अच्छे अकेले बैट्समैन है उनकी टीम से जो बहुत अच्छे खेलते हैं, वो भी वन मैन आर्मी की तरह है। और ऑलराउंडर की ओर चलते हो तो केविन ओब्रायन बहुत अच्छे हो, और आरवी डेंचेट जो है, नाम ही मुश्किल है उसके लिए भी सॉरी, वो भी बहुत अच्छे हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, सिवाय फालतू कमेंट के मैं हर कमेंट का ही जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।